अमित वरिदी किलोर, इफ यू सेट आउट टू कंप्लीट अ गोल, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर 40% तक कंप्लीट कर लिया ना तो मोस्ट प्रोबेबली उसको 100% तक भी कंप्लीट कर लोगे। वी हैव रीच्ड द लेक्चर नंबर 40 ऑफ द इंडियन पॉलिटी सीरीज। अब हमें लक्ष्मीकांत को पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, उसमें हम 100 जो हमें 100 आवर्स कंप्लीट करने थे उसमें आज हम 40% कंप्लीट कर लेंगे। नाउ इन दिस लेक्चर नंबर 40 वी विल बी डूइंग द स्टेट लेजिस्लेचर। हमने पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया हुआ है। पार्ट 6 के अंदर जो पहला चैप्टर था वो तो एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 152, दैट डज नॉट से एनीथिंग। चैप्टर नंबर 2 था स्टेट एग्जीक्यूटिव का, जिसमें हमने चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कर लिया है, और जो कि स्टेट के जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ में करेंगे। वी हैव रीच्ड द पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो कि पार्ट 5 का पार्लियामेंट का जो पार्ट था उसके एनालॉजिकल में चलेगा। इन दोनों के आर्टिकल्स और ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें सेम है, कुछ स्लाइट डिफरेंसेस है, विल बी फोकसिंग ऑन दोज डिफरेंसेस। लेट्स स्टार्ट विद द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के आज का हमारा जो एजेंडा है बहुत ही सिंपल है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, आखिर स्टेट लेजिस्लेचर क्या क्या होता है। कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी ड्यूरेशन क्या क्या होती है, एंड द मेंबरशिप। एक्चुअली में ये सारा का सारा सिमिलर हमारी लोकसभा और राज्यसभा से मैच करता है, देर इज नॉट मच डिफरेंसेस। जो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होंगे वो बहुत आसानी से कैच हो जाएगा। सी, टू अंडरस्टैंड दिस, इंडिया में पार्लियामेंट है, राइट? दैट पार्लियामेंट किसको कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, और इसको प्रीलिम्स के लिए याद रखना, प्लस प्रेसिडेंट। दिस इज व्हाट कंप्लीट पार्लियामेंट इज। उसी प्रकार से जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो क्या होता है? विधानसभा और एल्स लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, असेंबली अगर इसको याद कर लीजिएगा, प्लस गवर्नर। यूजुअली जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं, 22 स्टेट्स हैं, उसमें इसी चीज को स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है, गवर्नर प्लस विधानसभा, ठीक है, गवर्नर प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद हमारी 6 स्टेट, सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स हैं जहां पे विधानसभा के अलावा एक और एक्स्ट्रा हाउस है जिसको कहा जाता है विधान परिषद, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 6 स्टेट्स में, ठीक है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, 6 स्टेट्स में है यहां पर। अब स्पेसिफिकली जो विधानसभा है वो ऑलमोस्ट सेम चीजें फॉलो करता है जो कि लोकसभा फॉलो करता है। विधान परिषद और राज्यसभा में काफी सारे से डिफरेंसेज है जो कि हम देख लेंगे। गवर्नर हमने कंप्लीट कर ही लिया है प्रेजिडेंट के साथ कंपेरेटिवली, राइट? लेट्स स्टार्ट इट। पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो हमने सिस्टम अपनाया है वो स्टेट लेजिस्लेचर उसी चीज को, उस चीज की मैनिफेस्टेशन, उस चीज की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 168 से 212 के बीच में पार्ट 6 में दिया हुआ है, एंड वी डोंट नीड टू फोकस हमने कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, कौन से नहीं आर्टिकल में दिया हुआ है। नोबडी इज एवर गोइंग टू आस्क यू आर्टिकल्स एज फार एज द यूपीएससी इज कंसर्न। अगेन, कोई और एग्जाम के बारे में बात करेंगे तो दे माइट आस्क आर्टिकल्स, लेकिन लकी बात यह है कि वो जो आर्टिकल्स पूछते हैं कोई भी और एग्जाम, एसएससी हो गया या फिर एनडीए का एग्जाम हो गया या फिर हमारे स्टेट सिविल सर्विस वाले हो गए, वो भी जब अगर आर्टिकल पूछते हैं तो आर्टिकल बिलो 100 रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 168 से 212 के बीच में कोई आर्टिकल पूछ लेंगे। इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है उसको हम जरूर याद कर लेंगे अलग से, ठीक है। तो ये जो है जिसमें जो भी स्टेट लेजिस्लेचर की ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर है। दिस इज एब्सोल्युटली सिमिलर टू द पार्लियामेंट। इसमें जो जो डिफरेंसेस होंगे वो हम पढ़ लेंगे। अब देखिए, इस प्रकार से आपके सामने एक बार है तो इसको देख के चलते हैं कि किस प्रकार से क्या सिस्टम चलता है। स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं इस समय, यानी कि जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो टोटल 543 लोगों को इलेक्ट किया जाता है, राइट? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा जो होती है हर एक स्टेट की अलग अलग है और उसमें अलग अलग मेंबर्स हैं, राइट? हर एक स्टेट की पॉपुलेशन अलग है तो सेम नंबर तो नहीं रखा जा सकता। अब देखिए यहां पे आंध्र, मैं 6 स्टेट्स बता देता हूं याद रखने के लिए आसान। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटका है, दोनों के दोनों ये सारे बॉर्डर एक दूसरे से टच है, और उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। ये 6 स्टेट्स हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब कि एक तो लोअर हाउस तो है ये, साथ में अपर हाउस भी है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ये, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अब आप देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि जैसे अलग अलग राज्यों के अलग अलग नंबर के एमएलए होते हैं। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर सिर्फ 60 एमएलए हैं, असम में चले जाइए 126 हैं, बिहार में 243 हैं, गुजरात में 182 है, कर्नाटका में 224 हैं, मध्य प्रदेश में 230, 288, साइज के हिसाब से। जैसे जिस भी स्टेट का साइज जितना बड़ा है उतने ही ज्यादा उसमें एमएलए होते हैं, उतने ही ज्यादा उसका लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज होता है रिलेटिव टू द पॉपुलेशन, इस प्रकार से। अब यहां पर आप देखिए, इसमें बाइकैमरल में आपके सामने इस समय जो
चार्ट है उसमें चार बाइकैमरल में दिए हुए हैं। सबसे पहले बिहार हो गया, दूसरा हमारा कर्नाटका हो गया, एक महाराष्ट्र हो गया और ऊपर से एक आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ठीक है। तो कर्नाटका महाराष्ट्र हो गया और उसके बाद बिहार हो गया, उसके बाद पीछे अगले वाले चार्ट में उत्तर प्रदेश तेलंगाना भी होगा, ठीक है। अब यहां पर देखें कि उसके जो अपर हाउस के जो मेंबर हैं 58 हैं, अपर हाउस के मेंबर 75 हैं, 75 हैं, 78 यानी इसी प्रकार से कम मेंबर होते हैं। टेक्निकली इट फॉलोज अ रूल, जो लोअर हाउस का जो जितने एमएलए होते हैं उसका 1/3 ही हो सकता है, 1/3 से ज़्यादा नहीं होता है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, महाराष्ट्र में बाइकैमरल है एंड तेलंगाना में बाइकैमरल है। अगेन 288 एमएलए महाराष्ट्र में है, सबसे हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश में 403 बेसिकली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी है, 430 उसके अंदर मेंबर है। वेस्ट बंगाल की भी काफ़ी बड़ी है 294, तमिलनाडु की, राजस्थान की भी काफ़ी बड़ी है, ओडिशा की 147, बाकी मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, आप ये सारे के सारे देखें, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं 60, 60, 40, 60, पुडुचेरी, अच्छा यूनियन टेरिटरीज हैं, सारी की सारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं इस समय 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों की तीनों सिंपल यूनिकैमरल है, किसी भी यूनियन टेरिटरी में बाइकैमरल हाउसेस नहीं है, ठीक है। दैट इज इट, इससे हमें बात समझ में आ गई मोर और लेस कि बेसिकली हमारे देश के अंदर जो राज्य सरकारें हैं वो किस प्रकार से बनी हुई हैं। देखिए और एक हल्का सा मैप से भी अंदाजा लेकर चलते हैं कि हमारे जो राज्य सरकार है वो किस प्रकार से पॉलिटिकली किस एंगल पर है। आप ये मैप देख रहे हैं जो ये ब्लू कलर से है, ये है डायरेक्टली जहां पर प्रेसिडेंट रूल है, ये यूनियन टेरिटरीज है सारी की सारी, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरीज है, ये यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। दीज आर द यूनियन टेरिटरीज जहां पर इलेक्शंस नहीं होते, इनको सीधा का सीधा प्रेसिडेंट के द्वारा रूल किया जाता है, यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद जितना भी ऑरेंज है ये बेसिकली बीजेपी रूल्ड स्टेट है, प्राइमरली स्पीकिंग 1, 2, 3, 4, 5 काफी सारी है। उसके बाद जो ये हल्का सा स्काई ब्लू से है ये कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, एंड देन रेस्ट ऑल अदर कोएलिशन में है, वेस्ट बंगाल टीएमसी के द्वारा रूल्ड है। यहाँ पर ये जो दोनों की दोनों है ये यूपीए, यानी कि जिसमें कांग्रेस किसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका कोई गठबंधन होता है, वैसे ही अभी महाराष्ट्र में जो है उसको महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट कहा जाता है, जिसमें शिवसेना और क्या नाम है शरद पवार प्लस कांग्रेस, इन तीनों ने मिलकर एक गठबंधन बनाकर सरकार बनाई हुई है। नेवरदलेस, ठीक है, ये अब हमें समझ में आ गई कि इनमें लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं। आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जून 2019 में इलेक्शन हुए थे, अरुणाचल प्रदेश में भी साथ ही साथ इलेक्शन हुए थे, एंड यू कैन सी हाउ दोज इलेक्शन आर गोइंग। केरला में अभी अभी रिसेंटली हुए हैं मई 2021 में, आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में अभी अभी हुए थे मई 2021 में, राइट। तमिलनाडु में भी अभी अभी 5 जगहों पर इलेक्शन हुए थे, पुडुचेरी में हुए थे, तमिलनाडु में हुए थे, असम में हुए थे, अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। तो अभी यहाँ पर जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे तो 294 एमएलए को इलेक्ट किया गया था, राइट। वहाँ पे कोई भी अपर हाउस है नहीं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कोई इलेक्शंस नहीं है। चलिए अब बात करते हैं धीरे धीरे से, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में स्टेट लेजिस्लेचर के, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव यूनिकैमरल सिस्टम, यानी कि एक ही हाउस होता है जिसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस गवर्नर इज इक्वल टू स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ओनली 6 स्टेट्स, सिर्फ 6 स्टेट्स हैं जिनके पास 2 हाउसेज है। अच्छा, जम्मू कश्मीर जब स्टेट हुआ करती थी तो उनके भी 2 हाउसेज थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर है 2 हाउसेज, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को हटा के सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, सो दैट हैज बीन अबॉलिश्ड। अब वहां पे जो नया जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल था जिससे उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, उसको एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर दिया गया है, ठीक है। उसमें अराउंड एंड अराउंड 90 सीट्स दी गई है उसको। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों साथ में है, उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों साथ में हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये 6 स्टेट्स हैं। छोटा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि विच स्टेट हैज दी बाइकैमरल लेजिस्लेचर, आई होप वी कैन इजीली डू इट। बाकी जो 22 स्टेट्स हैं उनमें यूनिकैमरल सिस्टम होता है, नो डाउट्स, नो कन्फ्यूजन अबाउट इट। द स्टेट लेजिस्लेटिव कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, और जहां पर काउंसिल है उसमें काउंसिल को भी ऐड कर देना है, नथिंग स्पेशल, कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद को अपर हाउस कहा जाता है, सेकंड चेंबर, हाउस ऑफ द एल्डर्स, ये सिनोनिम हम बहुत अच्छी तरह से याद कर चुके हैं, आई डोंट थिंक सो दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहा जाता है, लोअर हाउस, फर्स्ट चेंबर और द पॉपुलर हाउस, नथिंग न्यू अबाउट इट, राइट। अब मैं बात बता दूं, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक्चुअली में इस पूरे चैप्टर में ना लेजिस्लेटिव काउंसिल वाली ही ट्रिक है, बाकी जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा जो है, वो सिमिलरली टू द लोकसभा और द पार्लियामेंट है, सो नथिंग न्यू देयर, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स में है, बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं है? पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउड करता है कि कहीं पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा सकती है किसी भी स्टेट में, और किसी से भी हटाई जा सकती है। यू कैन अबॉलिश ऑल्सो, यू कैन क्रिएशन ऑल्सो। इसका प्रोसेस क्या होता है?
जैसे कि हरियाणा नहीं है, हरियाणा में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है, ठीक है, तो क्या प्रोसेस होता है कि हरियाणा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक मोशन पास करती है कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है। याद रखिए कि ये मोशन पास होगा स्पेशल, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाना चाहिए। ये बात बेसिकली उसके बाद जाके वो पार्लियामेंट को बता देते हैं कि हमने मोशन पास कर दिया 2/3, 66% लोग ये चाहते हैं, हमारे 67% MLA ये चाहते हैं कि हमारे में, हमारे राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। पार्लियामेंट इसी लॉ को पास करता है सिंपल मेजॉरिटी से, वहां पे स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चलती, उसके बाद वहां पर सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देते हैं कि ठीक है भैया, अब हरियाणा एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकता है। और उसके बाद फिर हरियाणा के लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी इलेक्शन होंगे। सीटें कितनी होंगी? सरल बात है, लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी सीटें हैं उसकी 1/3 सीटें लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिल जाएंगी। उससे कम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो देखिए, पार्लियामेंट कैन अबॉलिश ए लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पर वो एग्जिस्ट कर रही है और क्रिएट वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कंसर्न स्टेट पासेस ए रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हम ये देख चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश को लेजिस्लेटिव काउंसिल हटाना हो तो क्या करेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली एक मोशन पास करेगी कि रिमूव इट बाय स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 लोगों को बोलना पड़ेगा कि हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल हटा दो। उसके बाद वो पार्लियामेंट के पास जाएगा यही मोशन, और पार्लियामेंट पास करेगा इस बात को लेकिन सिंपल मेजोरिटी के साथ, लोकसभा में भी सिंपल मेजोरिटी के साथ, राज्यसभा में भी सिंपल मेजोरिटी के साथ, प्रेसिडेंट विल साइन एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द उत्तर प्रदेश विल बी अबॉलिश। ये स्पेसिफिक रेजोल्यूशन जो है, सबसे पहले जब यही बात याद रखना है कि स्टेट जब लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर रही है तो वो कर रही है स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, तो कम से कम 67% MLA को मनाना जरूरी है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए या अबॉलिश करने के लिए। मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट इसको पास कर देता है, इट इज नॉट कंसिडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑर्डिनरी बिल की तरह इसको पास कर दिया जाता है, इट इज पास लाइक एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन बाय अ सिंपल मेजोरिटी, और सिंपल से पास हो जाएगा एंड दैट इज इट, इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, हमारी लोकसभा की बहुत ही क्लियर कट है, राइट, 543 है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, और सारे के सारे इलेक्टेड हैं, दो लोग नॉमिनेटेड हुआ करते थे, वो 2020 में हटा दिया गया, ठीक है, 543। लेकिन हमारे राज्य सरकार जो है उनके सबके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अलग अलग है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, हम इस समय असेंबली की, विधानसभा की कंपोजिशन पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, द मैक्सिमम इज 500 एंड द मिनिमम इज 60, तभी उत्तर प्रदेश की 403 के अलावा 503 नहीं है, 403 है उत्तर प्रदेश की, दैट इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। एक लिमिट भी है, 500 से ऊपर MLA किसी भी राज्य में हो नहीं सकते हैं, एक राज्य के अंदर, वैसे टोटली तो है 500 से ऊपर, लेकिन एक राज्य में 500 से ऊपर नहीं हो सकते हैं और 60 से नीचे नहीं हो सकते हैं, कहीं पर एक्सेप्शन है लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा। इट मींस दैट द स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम द 60 to 500 डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्टेट, लेकिन कुछ एक्सेप्शन क्या की गई है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में मिनिमम नंबर 30 किया हुआ है, मिजोरम और नागालैंड में 40 और 46 किया हुआ है, मिनिमम नंबर, याद रखिए, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे सिक्किम में मिनिमम नंबर 30 है लेकिन इस समय प्रेजेंटली जो सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 32 मेंबर है, ज्यादा हो सकते हैं, 30 से ऊपर हो सकते हैं, 30 से नीचे नहीं हो सकते, अरुणाचल, सिक्किम और गोवा में। उसी प्रकार से मिजोरम और नागालैंड का अलग से 40 और 46 स्टार्ट हो रखा है। देखिए, आप इसमें इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं, जो मिनिमम है ना, वो 60 पे है, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, लेकिन सिर्फ मिजोरम है जो कि 40 है। उसके बाद दिस डजेंट अप्लाई टू, हम जो अभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के बारे में भूल जाइए, उसके लिए स्पेसिफिकली चैप्टर आएगा यूनियन टेरिटरीज का, तो वो उसी समय करेंगे, ठीक है, गॉट इट। चलिए, इस प्रकार से ये बात आपको अब ध्यान रखनी है स्पेसिफिकली, दिस इज अ प्रीलिम्स क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, और ये रट्टा लगाना पड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा अलग से इनको मिनिमम 30 दे रखा है, और उसके बाद दो और स्टेट्स हैं, मिजोरम और नागालैंड, जिनका 40 और 46 है, इसके अलावा बाकी हर जगह पे 60 लिमिट है मिनिमम, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर होने चाहिए, और 500 अपर लिमिट है, 500 तो किसी ने नहीं क्रॉस की, मिनिमम वाले में कंफ्यूजन है। हमने जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किया था तो हमने आपको बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और मिनिमम जो है नॉट लेस देन 12। तो अब ये इन्हीं स्टेट्स के लिए है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर लोग ही जब 60 आते हैं तो यहाँ पर जो 15% है वो कहीं 12 से नीचे ना हो जाए, तो यहाँ पर मिनिमम नहीं तो 12। अब सिक्किम में इस समय 32
एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने लोगों की होगी? मिनिमम 12, ज्यादा की हो सकती है पर 12 की जरूर होती है, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर, गवर्नर कैन नॉमिनेट वन मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये पहले हुआ करता था, हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक ना एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मेंबर, इनकेस अगर उनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो अडॉप्ट किया जा सकता था। हावेवर ये लोकसभा से भी और भारत की सारी लेजिस्लेटिव असेंबली से भी हटा दिया गया है। ये प्रोविजन बनाया सिर्फ 10 सालों के लिए था, फिर इसको धीरे धीरे एक्सटेंड करते गए थे। 95th अमेंडमेंट एक्ट ने इसको हटा दिया था अंटिल 2020 एंड नाउ इट हैज बीन रिमूव्ड। सो ये सिर्फ जानने के लिए है, इससे आपसे कोई जरूरत नहीं है पूछने के लिए। उसके साथ साथ जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनमें अपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए अलग से सीटें रिजर्व, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन रेशियो। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, मैं बताता हूं, इसको ध्यान से सुनो कि एससी और एसटी की जो सीट्स हैं जो लोकसभा में रिजर्वड है वो ऑल ओवर इंडिया एससी और एसटी की जो पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में होती है। सिमिलरली हर स्टेट में जो एससी और एसटी की पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व होती हैं सीटें। जब आप जो चार्ट देखेंगे, आप एग्जांपल के तौर पर देखो, अरुणाचल प्रदेश में एक भी सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन नहीं है। उसी प्रकार से आप देखिए, गोवा हो गया, हरियाणा हो गया, चार्ट में नहीं है, परंतु पंजाब अगर आप देखेंगे, पंजाब में भी यहां पर एसटी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन नेग्लिजिबल है, तो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उनकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वहां पे एसटी के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है बिकॉज द पॉपुलेशन डजंट एग्जिस्ट इन दो स्टेट्स। तो कुछ स्टेट्स हैं जहां पर एससी की पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है और कुछ स्टेट्स हैं जहां पर एसटी की पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। एसटी नहीं करती है गोवा में, हरियाणा में, पंजाब में और प्रोबेबली तीनों की तीनों जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, उसमें कोई भी एसटी की सीट्स रिजर्व नहीं है। ये बात को ध्यान रखिएगा। एक बार इस चार्ट को आराम से लक्ष्मीकांत में निकाल के देखिए और इस बात को आइडेंटिफाई, जस्ट ट्राई टू आर्टिकुलेट इट, एक बार अपने आप से जोर के बोल के इसको पढ़ के देखिए कि कौन सी सीट्स, कौन से राज्य हैं जहाँ पे एससी की पॉपुलेशन नेग्लिजिबल है, पता चल जाएगा। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में है एक भी सीट रिजर्व नहीं है, और आपको दिखेगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं प्राइमरली उसमें एससी की पॉपुलेशन नहीं होगी, तो उसमें एससी की सीटें रिजर्व नहीं होंगी। एंड जो एसटी की है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, गोवा है, हरियाणा है, पंजाब है एंड तीनों की तीनों जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई सीटें रिजर्व नहीं होती बिकॉज द पॉपुलेशन इज नॉट देयर, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, कभी पूछा भी जा सकता है कि हरियाणा में लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल ट्राइब की कोई सीट रिजर्व है या नहीं है। वेल, यू विल बी एबल टू रिमेंबर। नो, काउंसिल ऑफ द कंपोजिशन, यहां पर आता है मजा, क्या बात है। कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट। जैसे कि राज्यसभा के जो मेंबर है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, सिमिलरली दे हैव द सेम सिस्टम इन द विधान परिषद। अब देखिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली एंड द मिनिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड एट द 40। ये 406 नहीं है, 40, ठीक है। क्या होगा, तो किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद बना हुआ है, क्या नाम है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना हुआ है, तो उसमें सीटें कितनी होती हैं? आप सिंपल सा एग्जांपल काउंट करेंगे कि उसके में पहले लेजिस्लेटिव असेंबली की कितने सीटें हैं और उसका 1/3, 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है एंड मिनिमम इज 40, 40 से नीचे भी नहीं हो सकता। अब काउंसिल बनाया तो 10 मेंबर का बना के क्या करेंगे, तो मिनिमम नहीं तो 40 कहीं पर रखनी पड़ती है, ठीक है। दैट द साइज ऑफ द काउंसिल टेक्निकली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट। अब देखना चाहते तो हम इसको कंफर्म कर सकते हैं, देखिए एक एग्जांपल के तौर पे, यहां पर बाइकैमरल सीटें हम देखें, बाइकैमरल इसमें 175 थी तो उसका 1/3 60, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही 1/3 बनाया हुआ है। अब यहां पे दूसरे में बिहार में देखें 243, उसका 1/3 80 होता है 1/3 बट टेक्निकली उन्होंने 75 रखा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें कर्नाटका का बाइकैमरल है 224, एग्जैक्टली 75, वही एग्जैक्ट नंबर आना था, 1/3 होता है। तो बाइकैमरल यानी कि जब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की 1/3 होती है, मिनिमम इज 40, 40 से नीचे नहीं होगा अगर जरूरत पड़ती है तो किसी छोटी स्टेट्स ने बना ली काउंसिल तो। This is done to ensure the predominance of the directly elected house. Though the constitution has fixed the maximum and the minimum limits, actual strength of the council is fixed by the parliament. ठीक है, तो ये maximum minimum limit हमने बना दी है, बाकी actually में बनाती है, actually में वो parliament बना सकता है, but वैसे देख लीजिए वो सारे के सारे states जो हैं वो technically 1/3 ही कर रहे हैं। Now this is the only slide of today जहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि ये जो question आएगा यहाँ पे confusion है, यहाँ पे इसको गलत मत करो, इसको रटना है थोड़ी देर में, एक पल के लिए।
लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पे भी बनते हैं उनके मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, ओके, दे हैव दिस सिस्टम और ये सारे के सारे छह की छह लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिस्टम स्टार्ट किया जाता है। तो हम इसको इमेजिन करके देखते हैं कि कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/3 मेंबर, नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने भी हैं उसमें जो 1/3 हैं दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकल बॉडीज इन द स्टेट लाइक द म्युनिसिपैलिटीज और द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। राज्यसभा में मेंबर जो इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, उनको कौन इलेक्ट करता है, जो कि स्टेट के एमएलए होते हैं, राइट, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। उसी प्रकार से काउंसिल, काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, जो कि म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के मेंबर होते हैं, ओके, 1/3। तो एक एग्जांपल के तौर पे देते हैं कि भाई किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 मेंबर है, ठीक है, ओके, उसके इलेक्शन करवाना है हमको, तो 1/3 टोटल 33 लोगों को इलेक्ट किया जाएगा म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोगों के द्वारा, डन। दूसरा 1/12 आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रिजाइडिंग विद इन द स्टेट। एग्जैक्टली, जो लोग ग्रेजुएट हैं और 3 साल से, मतलब 3 साल से ग्रेजुएट है, मतलब कि अगर आप ग्रेजुएट थे 2019 में तो आप इस समय काउंसिल में वो इलेक्शन नहीं कर पाए, काउंसिल में वोट नहीं कर पाएंगे, हाँ, लेकिन अगर 3 साल हो चुके हैं ग्रेजुएशन को तो आप 1/12 मेंबर्स का इलेक्शन करेंगे, ठीक है। 1/12 हो गया, 100 मेंबर थे तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 8 आ गया, ठीक है, 100 के 8 भाग कर दीजिए, 100 के 12 भाग कर दीजिए तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 1/12 आर इलेक्टेड बाई टीचर्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग इन द स्टेट नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन द सेकेंडरी स्कूल। यानी कि 8 मेंबर वो टीचर्स इलेक्ट करेंगे जो कि कम से कम सेकेंडरी स्कूल को पढ़ा रहे हैं मिनिमम 3 साल से, यानी सिर्फ और सिर्फ अध्यापक जाकर वोट करते हैं इन बाकी बचे हुए 8 लोगों के लिए। एंड देन 1/3 आर इलेक्टेड बाई द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम पर्सन्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द असेंबली। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो 1/3 मेंबर्स खुद चूज करती है, ठीक है, 33 लोग और चुन लिए इन्होंने। एंड 5 द रिमाइंडर, अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स जानते हैं तो 1/3 हो चुका है, 1/12 हो चुका है, 1/12 हो चुका है, प्लस 1/3 हो चुका है, बचा अभी 1/6 है। तो जो बचे हुए 1/6 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, दो वी एक्चुअली डिड इट इन द गवर्नर ऑल्सो, तो जो 1/6 है, 1/6 विल कम टू समथिंग लाइक प्रॉब्ली 16.67, तो 17 लगा लेते हैं क्योंकि हमारे देश में एमएलए को बीच में से काटा नहीं जा, मतलब काटा जाना अलाउड नहीं है। इट डजंट लुक गुड एक्चुअली कि सिर्फ और सिर्फ आधा एमएलए लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो। सो अब देखिए बन गए 33, 66 हो गया और उसके बाद ये 16, 17, 16, 33 ये हो जाएगा, तो टोटल 99 हमने मेंबर ऑफ एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को अटेम्प्ट कर दिया है। ये एक कहाँ गया है इस बात का तो बड़ा ही, ये तो पहली हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। दिस इज एक्चुअली वेरी कंफ्यूजिंग कि ये एक एमएलसी को कौन चुनेगा। एग्जैक्टली, नेवरदलेस, सो यू गेट द आइडिया, राइट। 1/3 को बेसिकली, यानी 33 लोगों को लोकल बॉडीज वाले जो मेंबर्स होते हैं म्युनिसिपैलिटीज में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, वो चुनते हैं। और उसके बाद 1/12 दो अलग अलग से 1/12 को चुन करता है जो आदमी ग्रेजुएट है, और 1/12 को चुनते हैं जो आदमी टीचर है 3 साल से। दोनों के साथ ये कैप है कि 3 साल होने चाहिए, उसके बाद ही वोट कर पाएंगे। एंड देन 1/3 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है वही खुद चुन लेते हैं, ठीक है। एंड देन 1/6 गवर्नर खुद नॉमिनेट करता है। तो 5/6 इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं और 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि 83 लोग जो हैं वो बेसिकली इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आ रहे हैं, और जो बाकी 17 लोग हैं, जब हमारी एमएलसी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी स्ट्रेंथ 100 है, और बाकी 17 जो हैं दे आर बीइंग चोजन बाय द गवर्नर। इट्स एज सिंपल एज दैट। यही बात है, दिस इज इट। आपको एक बार याद करना है इसको, एंड देन दिल इस पर एक ही क्वेश्चन बनता है हल्का फुल्का सा, ठीक है। सो नथिंग मोर कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द टू हाउसेज, ड्यूरेशन ऑफ द असेंबली लोकसभा की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम, ये तो हमें अच्छा ही पता है। लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट अ कंटिन्यूइंग चेंबर, ठीक है। 5 साल इसका नॉर्मल टर्म होता है, जिस दिन भी ये फर्स्ट मीटिंग करे जनरल इलेक्शंस के बाद, जैसे ही 5 साल खत्म हो जाते हैं ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, ऑटोमेटिक। हावेवर, याद रखिए, टेक्निकली ऑटोमेटिक डिसॉल्यूशन है, लेकिन गवर्नर इज ऑथोराइज टू डिसॉल्व द असेंबली एट एनी टाइम जरूरत पड़ने पर, किसी भी समय बीच में 2 साल में इलेक्शन करवा सकता है अगर गवर्नर चाहे तो, इन केस द मेजॉरिटी पार्टी हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। फर्दर, जरूरत पड़ने पर इसी असेंबली के टर्म को एक्सटेंड भी किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, एक टाइम में 1 साल के लिए। पार्लियामेंट एक बार लॉ पास करेगा और अगले 1 साल के लिए फिर इलेक्शन नहीं होंगे, द सेम विल कंटिन्यू। 5 के बाद 6 साल भी हो सकता है जरूरत पड़ने पर, फिर दोबारा से कर सकते हैं एक बार, और 7 साल भी कर सकते हैं। बस ये है कि जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो विद इन 6 मंथ्स
इलेक्शंस करवाकर भाई नई लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाना ही पड़ेगा। इसके पैरेलल में जो हमारी काउंसिल है वो भी राज्यसभा की तरह है, वो भी बेसिक वो कंटिन्यूइंग चैम्बर होता है, 6 की 6 स्टेट्स में। इट इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर एंड अ परमानेंट बॉडी, तो इसका कोई डिसोल्यूशन नहीं होता है कभी भी। हाँ, राज्यसभा में भी जैसे 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, मतलब एक्सपायर, मतलब उनको छोड़ना पड़ता है अपना पद, उसी प्रकार से ये 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर ऑन द एक्सपिरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, सो अ मेंबर कंटिन्यूज फॉर द 6 ईयर्स। सो टेक्निकली लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई टर्म नहीं है, लेकिन उसमें जो मेंबर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म 6 साल होता है, राइट? लोकसभा के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, दोनों का टर्म है 5 साल का। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई टर्म नहीं है, लेकिन मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का 6 साल का टर्म होता है। द वेकेंट सीट्स आर फिल्ड अप बाय फ्रेश इलेक्शंस एंड द नॉमिनेशन। सरल बात है, ये बहुत इजी है, नथिंग टू कंफ्यूज। मेंबरशिप के बारे में अगर हम बात करें, ये वही बातें हैं जो कि हमें पहले से पता है। एक आदमी को भारत का नागरिक होना चाहिए अगर वो भारत में MLA बनना चाहता है, ठीक बात है। ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। ओथ और कसम तो खाएंगे भाई, शपथ तो लेनी पड़ेगी, और उस शपथ में बहुत सरल वाली बात है, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वही बात नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, MLA और MLC बनने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए? यही एज आपको राज्यसभा और लोकसभा में भी मिलती है। तो जो MLA है उसकी एज मिनिमम होती है 25 साल, 25 ईयर्स, और जो MLC है उसमें मिनिमम 30 ईयर्स के होने चाहिए। कोई स्पेशल बात है ही नहीं है, वही पार्लियामेंट का चैप्टर रिपीट है ये। दिस इज नॉट लेक्चर नंबर 40, दिस इज अ रिविजन लेक्चर, बिलीव मी दिस इज। और बाकी जो पार्लियामेंट कोई भी क्वालिफिकेशन को पोजेस करा दे, पार्लियामेंट ने तीन, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसने 2-3 और क्वालिफिकेशन दे रखी है MLA के लिए, ठीक है, कौन आदमी MLA बन सकता है, ठीक है। अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द कंसर्न स्टेट एंड टू बी क्वालिफाइड फॉर द गवर्नर। मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो उसी स्टेट से बनता है। याद रखिए कि दिस डजेंट अप्लाई टू राज्यसभा एंड दिस डजेंट अप्लाई टू द लोकसभा ऑल्सो, ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा पे अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पे होता है। तो यूपी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर आपको इलेक्ट होना है तो आपको यूपी के ही मेंबर होना चाहिए, एंड आप गवर्नर बनने के लिए भी एलिजिबल होने चाहिए हो, ठीक है, गवर्नर बनने के लिए टेक्निकली एलिजिबल होने चाहिए, तभी आपको MLC का मेंबर बनाया जाता है, एंड ही मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑल्सो, और होपफुली आप उस स्टेट में रहते भी हो अगर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनना चाहते हो। सेकंड, अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी एन इलेक्टर ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। यानी कि उत्तर प्रदेश के MLA के अगर आपको इलेक्शन लड़ने हैं तो आप उत्तर प्रदेश में ही आपकी रजिस्ट्रेशन होगी इलेक्टर की। हरियाणा के MLA बनना चाहते हो, हरियाणा के इलेक्शंस लड़ना चाहते हो स्टेट लेजिस्लेचर के, तो आपको हरियाणा में ही एज ए इलेक्टर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, आपकी वोटिंग वोट वहीं पे करनी चाहिए। एंड थर्ड स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है, बट आई थिंक वी वुड हैव ऑलरेडी नोन अबाउट इट, इतने तो हम कॉमन सेंस लगा ही लेते कि अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और ए शेड्यूल ट्राइब, अगर कोई सीट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है तो आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का होना चाहिए। आप जनरल कैटेगरी के होंगे तो उनकी सीट रिजर्व्ड सीटों पर कैसे लड़ेंगे, दैट वुड सिंपली नॉट मेक सेंस। हाँ, ये बात है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैन कंटेस्ट अ नॉन रिजर्व्ड सीट, ठीक है, तो जो रिजर्व्ड सीट्स है वो रिजर्व्ड आदमी ही लड़ सकता है जिसके लिए रिजर्व की गई है, और जो जनरल सीटें हैं उसको कोई भी लड़ सकता है। ये डिक्शनरी वाली बात है, इन्होंने लिखा क्यों मुझे ये समझ में नहीं आता, आई थिंक वी प्रोबेबली ऑलरेडी न्यू इट बिफोर इट। द थिंग वॉज दैट कि आज का चैप्टर बिल्कुल इतना ही सरल था। इतना सरल इसलिए था क्योंकि इसमें कुछ पढ़ने का था नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात पर फोकस करना है कि ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसकी इलेक्शन जो हो रही है उसमें वो 1/3 कौन करता है, 1/3 कौन करता है, 1/12 कौन करता है, 1/12 कौन करता है, और 1/6 तो नॉमिनेट कर रहे हैं गवर्नर, ठीक है। तो टोटल हमें सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी है भाई। 1/3 कौन इलेक्ट करता है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ के और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के जो मेंबर होते हैं। 1/3 कौन इलेक्ट करता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं वो खुद ही इलेक्ट कर लेते हैं। 1/12 कौन करता है, जो ग्रेजुएट होते हैं कम से कम 3 साल के। और 1/12 और कौन करता है, जो टीचर्स होते हैं सेकेंडरी स्कूल से ऊपर वाले और कम से कम 3 साल से काम कर रहे हैं। सवाल बस इसमें इतना ही आता है, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ, दिस इज इट, इसी बात पर क्वेश्चन है। एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, एंड इट विल बी डन फॉर यू, ठीक है। इसके बाद मैं लेक्चर नंबर 41 में आपके साथ
जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हमने पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में किए थे वही स्टेट लेजिस्लेचर के कॉन्टेक्स्ट में, और उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर किस प्रकार से बिल एक्ट बनता है, राइट। तो जो लेजिस्लेशन का पूरा प्रोसेस है वो हम लेक्चर नंबर 41 में कंप्लीट कर लेंगे। आई एम होपिंग कि आप साथ साथ लक्ष्मीकांत को पढ़ भी रहे हैं। खाली वीडियो देखने से कभी भी कुछ नहीं होगा, यू नीड टू रिवाइज इट एज मच, ओके। लक्ष्मीकांत को साथ रखिए, उसी में नोट्स बनाए कीजिए एंड स्टार्ट रीडिंग इट एज मच एज यू वॉन्ट। इनकेस यू नीड द PDF ऑफ दिस क्लास तो ये टेलीग्राम चैनल है ही है। हावेवर मेरा सारा का सारा मॉरल सपोर्ट आपके यूट्यूब वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आते हैं सिर्फ उनके ऊपर टिका हुआ है। सो आई वुड रियली लाइक टू हियर एनी वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन इफ यू हैव बिलो दिस यूट्यूब वीडियो। आई विल सी यू इन द लेक्चर नंबर 41।